बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सैयदा ज़रमीना ज़र। पेश है अब तक की हेडलाइन। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के संजीदा लोग आगे बढ़े और मुतबादल क्यादत बने। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन को सियासी नाबालिगों ने यरगमाल बना लिया है। हुकूमत की तरफ से पार्लियामान में राबते कार को कहा जा रहा है कि हुकूमत मिन्नतें कर रही है। एक वजीर आला कह रहा है, मैं विफाक को जवाबदेह ही नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ के रुकन हलीम आदिल शेख को सिंध असेंबली में नया कायद हिजब इख्तलाफ मुकर्रर कर दिया गया है। सिंध असेंबली की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली हलीम आदिल शेख ऐवान में नए कायद हिजब इख्तलाफ होंगे। इंटर बैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर सस्ता हो गया है, जबकि स्टॉक मार्केट में भी आज बेहतरी देखने में आ रही है। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के पहले मैच का टॉस जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने जीत कर खुद बैटिंग करने का फैसला किया। कराची और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है और प्रोटीज बैटिंग कर रहे हैं। तमाम मैच से कुछ देर कबल जनूबी अफ्रीकी टीम में तब्दील की गयी, जिसकी असल वजह भी सामने नहीं आई है। BSO की साबिका चेयरपर्सन और इंसानी हकूक की कारकुन करीमा बलोच की नमाज जनाजा आबाई इलाके तुम्प में अदा कर दी गयी। नमाज जनाजा और तस्लीम में करीमा बलोच के अहले खाना आबाई इलाके के लोगों समेत खवातीन कसीर तादाद में शरीक हुई। बलोच यकजहती कमेटी की कॉल पर तुर्बत और बुलेदा में शटर डाउन हड़ताल रहा। हड़ताल के 22 तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज बंद रहे। मकबूजा वादी समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानेब और दुनिया भर के कश्मीरी भारतीय यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com। हमारे साथ रहिए। अब खबरें तफसील के साथ। यूनियन काउंसिल पटगुल मोहम्मद के शहर और देहातों पर रहने वाले इलाके मकीनों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गुज़िश्ता कई सालों से शहरों और देहातों की सफाई ताहाल ना हो सकी, जिसके बायस शहर और देहात गंदगी के ढेर बन गए। गंदगी की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से यूनियन काउंसिल की हर माह 5 लाख बजट आने के बावजूद यही शहर और देहातों में सफाई के नाकिस इंतजाम नजर आने लगे। यूसी के अंदर तरक्याती काम करने की बजाय यूनियन काउंसिल की महाना बजट एडमिनिस्ट्रेटर जूही अली शेर बदरानी और यूसी पटगुल मोहम्मद सेक्रेटरी करप्शन करके आपस में बांटने लगे हैं, जिसके सबब यूनियन काउंसिल के शेयर और दियात बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। इलाका मकीनों में नैब और चीफ एंटी करप्शन से मुतालबा करते हुए कहा कि यूनियन काउंसिल पटगुल मोहम्मद के आने वाले तरक्याती कामों की बजट की तहकीकत करके करप्ट यूसी सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटर जूही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रेस क्लब मेन मस्तुई कौम के मौजूद शख्सियत जनाब सिकंदर अली मस्तुई और मीर जुनेद सिकंदर मस्तुई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम काचू में रहने वाली आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। काचू हमारा गांव मजारी मस्तुई है, जो कि मेरे दादा के नाम से पहचाना जाता है। काचू हमारा आबाई इलाका है और हमें काचू से मोहब्बत है। यहाँ की आवाम हुकूमत की तरफ से जानबूझ कर नजरअंदाज की गई है। ना यहाँ तालीम है, ना सड़क, ना पानी और ना कोई तरक्याती काम हो सका है। मेरे भाई मसीह नुमा इंसान DIG फिदा हुसैन मस्तुई और हम काचू की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। यहाँ की आवाम के लिए खैराती अस्पताल के साथ साथ काफी सामाजिक कामों के लिए दफ्तर खोलना चाहते हैं। काचू में आना, काचू में जमीन खरीदना, ये हमारा मकसद यही है कि हम यहाँ रहकर काचू की आवाम के लिए कुछ कर सकें। उनका मजीद कहना था कि हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि काचू एक मुतासर इलाका है, यहाँ रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। दादू सिविल अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद नहीं और गवर्नमेंट अस्पताल अद्वियात मौजूद न होने के बावजूद मरीज को बाहर की अद्वियात लिख कर देते हैं। सच एक्सप्रेस न्यूज की टीम ने MS सर्जन से मौकफ लेने की कोशिश की, मगर सिविल सर्जन डॉक्टर अब्दुल हमीद मीरानी ने मौकफ देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें ऊपर से मना किया गया है, हमारे पास लेटर मौजूद है। इस सवाल में हमारे नुमाइंदे ने लेटर दिखाकर कहा, मगर सर्जन ने कहा कि बच्चों के वार्ड में मरीज इंजेक्शन लगाने के 30 रुपए लेते हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं मजीद मल्ला की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, हम इस वक्त सिविल अस्पताल दादू के बच्चों के वार्ड में मौजूद है। आप देख रहे हो यहाँ सिविल अस्पताल के नहीं है, ये
प्राइवेट डॉक्टरों के पास काम कर रहे हैं, वो आके वहाँ पेशेंट दिखा के फिर ये नाम गवर्नमेंट का हो रहा है, लेकिन ये टोटल बाहर के हैं, ये दवाई भी बाहर की हैं, हर चीज़ बाहर की हैं। जो डॉक्टर यहाँ ड्यूटी पे मौजूद होना चाहिए वो इस वक्त नहीं है, वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठे हुए हैं। हम इस वक्त सिविल अस्पताल बच्चों के वार्ड में मौजूद हैं, जहाँ फी बेड पे तीन तीन पेशेंट यहाँ पे मौजूद हैं। और ये अफसोस की बात है, गवर्नमेंट की अस्पताल होने के बावजूद भी यहाँ बाहर की दवा लिख के देते हैं कि ये देखो खांसी की ये सिरप है, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये यहाँ होना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यहाँ गरीब लोगों को बाहर की दवा लिख के देते हैं। हम मज़ीद इनसे पेशेंट के जो यहाँ वारस मौजूद हैं इनसे पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम भाई। भाई जान आप ये बताओ, ये दवा आपको बाहर की लिख के दी है जी, और यहाँ बेड पर कितने पेशेंट दाखिल हैं? सर कल आए थे हम, तीन बेड में शामिल थे। अच्छा, एक बेड पे तीन थे जी। और डॉक्टर यहाँ टाइम पे आते हैं? हाँ आते थे। ट्रीटमेंट सही हो रही है? हाँ ट्रीटमेंट, ये इंजेक्शन लगा के जाते थे। लेकिन ये यहाँ मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ देखो, यहाँ आपको दो पेशेंट हैं यहाँ, और यहाँ दो बच्चे यहाँ बेड पे रखे हुए हैं, और यहाँ भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ भी दो बच्चे एक बेड पे हैं। पौने 12 बज गए हैं, अभी तक डॉक्टर अल्लाह बख्श कोरे जो अपनी क्लिनिक पे है, जो कि अभी सिविल हॉस्पिटल में होना चाहिए था, जिसकी ड्यूटी है वहाँ नहीं है जी। यहाँ पे जो अभी हम मौजूद हैं, यहाँ रेगुलर नहीं है, प्राइवेट है। ये डॉक्टर की पर्ची है जो अभी इसको, ये डॉक्टर अला बख्श कोरे जो है, जो गवर्नमेंट यहाँ मुलाजिम है, लेकिन ये अफसोस की बात है, ये प्राइवेट इसकी पर्ची है, ये पेशेंट प्राइवेट क्लिनिक में दिखा के इसको यहाँ भेजिए कि यहाँ इंजेक्शन लगाओ। और ये भी है, ये भी वहाँ बाहर की दवा लिख के दी है। ये डॉक्टर अला बख्श कोरे जो अभी ड्यूटी पे भी मौजूद नहीं है, हम उसके रूम में भी गए हैं लेकिन उसके एक रूम में नहीं था। ये अभी ये पेशेंट आया है, ये कह रही है कि हम वहाँ इसको दिखा के आए हैं, दाखला वही फिर बाहर लेकर आए हैं, सारी चीज़ बाहर से, ये दाखिल है इधर से, सब कुछ बाहर का, ये बाहर की सारी चीज़ बाहर की। ये अला बख्श कोरे जा, अला बख्श अभी मौजूद नहीं, वो मौजूद नहीं, प्राइवेट कल नहीं, हाँ प्राइवेट, सब कुछ दवाई बवाई सब कुछ प्राइवेट, नाम सरकारी का, सब कुछ बाहर का। पिराई ते मुकावती तस जाम शोर में तई, हां प वरी पानी छियो मगज में, पानी कडी वरी पानी छियो, असा के ची 15 साल गारंटी तव मुजी, पो हन के महीनो बियो महीनो आ मन बाप शा रुली रुली मोटिया चे सागे डॉक्टर देने सागे रे वनाती हो चे तो वरी पैसा पो म गरीब वरी कितो आण्या माणे मैं व्याजन ते खणी म पिन्नी म वई हां 70,000 मु गणे दिनिया मु व्याजी कोन लाथो हाँ हे चे तो लेटर नो तो ता वणो वरी मा किथे रुला वणी मके वसियत काने मा गरीब चिच। अच्छा वो लेटर तो पयो आता हां दिनो तो सियो लेटर हिन के सबाहु बदी हुन जे मा जक वसियत काया तो हयाती रब जे वस तो हे रहम सा तेन कयो। अच्छा ता किथा आया हो? से जोही का, जोही का जी, नालो खान जी कूर। अच्छा मुंजो नालो, मुंजो नालो मोहम्मद यूसुफ, जात जो बाहटो हे जेको हे जेको फॉल्ट करायो आ वो जेको बोन केयर में आ मोहम्मद हामिद, उने 12-15 साल नी गारंटी नी, बिन हफ्ते में खराब थी, मां खणी यो मास मुजे वा हिन में फॉल्ट थियो आ, दिस हुन पाण भी चयो ठीक आ फॉल्ट मां तो के लिखी तो जा लम्स में वन मुजो ठीक आ लम्स में लिखी ने उते वे से उते तुजो इलाज उते भी ड्यूटी कंदो मां उते तुजो इलाज कराई दुस, पर उते जणा व्यासी तो उते सा मिलियो ना गाडी बीठी मिलियो ना हितां जा डॉक्टर। हाणे हुननि जेको हुओ पहिरियों मां हिते 2 हफ़्ता ट्रीटमेंट सुठी, अला बख्श डॉक्टर बहितरीन डॉक्टर आहे कोरे जे, सुठी ट्रीटमेंट कई, अॼु बि चई आहे छोकिरो तुंहिंजो सीरियस आहे, वधीक तुंहिंजी मर्ज़ी आहे, चई त मां इलाजु कयां, मां चयो साईं इलाजु कयां मूं वटि बसि पोइ जेको आहे इलाज लाइ रखियो आहे हिते बसि मूं वटि वसी त या सब मोहम्मद हामिद जी गलती आहे। साईं वज़ीर आला खे असांजी अपील आहे त असां मिसकिन माण्हू जेको बि सड़ी सघेसि असांजी मदद कई वञे, त जेको असां नंढड़े गुलाब जे गुल जी ज़िंदगी बचायूं।
कैमरा टीम मजीद मला, सच एक्सप्रेस न्यूज, दादू। ये थी अब तक की तफसीली खबरें। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.sachexpressnews.com।